दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कुदरत। प्यारे दोस्तों कैसे हो, ठीक फिट फाट। आज मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो एक काम करें, जिस दिन जिस टाइम जिस वक्त आपका बच्चा बूढ़ा जितने भी लोग हैं बीमार होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाते हैं, उनके पास खर्चा नहीं होता, उनके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि गरीब लोग हैं, मेडिसिन नहीं ले सकते, टेबलेट नहीं ले सकते। अगर वो आप जा सकते हो सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हो, अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट है, उन्होंने इंसान के लिए ये सब कुछ फैसिलिटी दी हुई है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इस पे फ़ायदा नहीं उठाते जितना भी हो सके, क्योंकि महंगाई के दौर में आप सिविल हॉस्पिटल जाओ थोड़ी रश होती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आपको मेडिसिन अच्छी मिलती है, क्योंकि मैं भी उधर से मेडिसिन वगैरह लेता हूँ। हो सकता है कि आप सारे दोस्त असबाब जितने भी आपके पास रहते हैं, क्योंकि बेचारे में परेशान होते हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल कैसे होता है कैसे नहीं होता, क्योंकि वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे वो कोशिश करें कि गरीब लोगों को ये कहें कि आप लोग सिविल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हो, क्योंकि उन बेचारों को ये पता नहीं है कि वो कहते हैं कि पिछले दौर की बातें में हैं कि सिविल अस्पताल में टेबलेट नहीं मिलते, गोलियां नहीं मिलती, हेपेटाइटिस बी सी का इलाज नहीं होता। आप लोग उनकी रहनुमाई कर सकते हो, क्योंकि किसी की जान बच सकती है, कोई अपने जेब खर्ची बचा सकता है, वो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, बच्चों की मेडिसिन के ऊपर, बच्चों के खाद खुराक के ऊपर वो खर्च कर सकता है, क्योंकि वो बेचारे जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज करवाते हैं, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, पता है आपको अभी जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी, मुझे जितना मालूम है जितना पता है मेरे इल्म में, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हर सिविल हॉस्पिटल में शुगर पेशेंट के लिए इंसुलिन, शुगर ले पेशेंट उनके पास इंसुलिन की ज़रूरत होती है, वो उनके पास सिविल हॉस्पिटल में इंसुलिन बिल्कुल होती है, उनको कार्ड दिया जाता है, अगर बच्चा बूढ़ा जितने बीमार हैं उनकी पूरी उनको मेडिसिन मिलती है। खुदा के लिए आप लोगों को अवेयरनेस दो, बताओ उनको, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अपना हक अपना फ़र्ज अदा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। जितने भी यूट्यूबर जितने भी लोग हैं वो अपने के लिए अपने कमाई के लिए अपने फ़ायदे के लिए सबको बातें बताते हैं, लेकिन आवाम को ये नहीं बताते कि जितनी भी गाइडलाइन जितनी भी बात हो, जो भी इंसान के जहन में जो भी इंसान को बात हो पता हो मालूम हो वो इंसान शेयर करे। इसलिए मैं आप लोगों को बताना, इसलिए मेरा दिल मुतमिन है गवारा है कि आप खुदारा अपने जो भी गरीब लोग पसगरदई में साथ हैं गांव में मोहल्ले में, उनको बताओ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, खुदा रा सिविल हॉस्पिटल में चले जाओ, 200 का पेट्रोल जलेगा, आपको 2000 की दवाई, क्योंकि उनके पास मेडिसिन नहीं होती, उधर उनका हेपेटाइटिस बी सी का इलाज होता है, नॉर्मल मलेरिया की टेस्ट भी हो जाती है, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना, क्योंकि मैं न्यू बातें आप लोगों को बताता हूँ। अगले व्लॉग का इंतजार, मैं आपका दोस्त कुदरत, अस्सलाम वालेकुम।